जय श्री राम भाई सभी को, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जिम में जो भी भाई जाते हैं उन्होंने एक सप्लीमेंट के बारे में सुना होगा, बड़ा फेमस नाम है BCAA भी बोल देते हैं और BCAA भी बोल देते हैं उसको। उसके बारे में बहुत सारे भाइयों ने सुना होगा जो जिम में जाते हैं, और बहुत सारे सप्लीमेंट रखे भी होते हैं BCAA के नाम से। तो ये BCAA क्या होता है और किस तरह से काम करता है, यही हमारी आज का वीडियो का टॉपिक है और इसको डिटेल से हम बात करेंगे। इसका पूरा नाम है दोस्तों ब्रांच चेन अमीनो एसिड, इसकी फुल फॉर्म है BCAA की। और इसके अंदर तीन अमीनो एसिड होते हैं दोस्तों, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेनिल। ये तीन अमीनो एसिड से मिलकर ही BCAA बनता है। और सबसे पहले तो हम एक चीज़ बता दूं दोस्तों, एक होता है इसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, हमें बाहर से वो चीज़ लेनी पड़ती है। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, उनको बाहर से किसी सप्लीमेंट के रूप में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो BCAA एसेंशियल अमीनो एसिड है, हमारी बॉडी इसको खुद प्रोड्यूस नहीं करती, इसको हमें सप्लीमेंट के रूप में बाहर से लेना पड़ता है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि BCAA का काम क्या होता है। दोस्तों, BCAA का मेन काम होता है मसल की रिकवरी करना, नए मसल को ग्रो करना, और जो मसल टिश्यू टूट चुके हैं वर्कआउट के टाइम पे उनको रिपेयर करना। आप इसको वर्कआउट से पहले भी ले सकते हो, ड्यूरिंग वर्कआउट भी ले सकते हो और वर्कआउट के बाद में भी ले सकते हो। अगर वर्कआउट से पहले लेते हो तो आपको एनर्जी देगा, पावर देगा। ड्यूरिंग वर्कआउट आपकी जो मसल ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है उसको स्लो करेगा, और आफ्टर वर्कआउट ये आपके मसल रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि अगर आप जब वर्कआउट कर रहे हो अगर आपका मसल ब्रेकडाउन हो जाता है आप, तो जो ऑलरेडी जो प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर है, हमारी बॉडी उसको एज ए फ्यूल यूज करना स्टार्ट कर देती है, जो बहुत गलत है हमारे मसल ग्रोथ के लिए। क्योंकि जो स्टोर प्रोटीन है अगर वो भी अगर यूज हो जाता है एज ए फ्यूल, तो जो हमारा मसल ग्रोथ के लिए जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए BCAA जो मसल ग्रोथ के लिए जो मसल ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है, हमारा मसल ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, और एज ए फ्यूल BCAA हमें वर्कआउट के टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है और हमारा मसल ब्रेकडाउन नहीं होता, नए मसल ग्रो करते हैं, साथ ही साथ मसल जो टिश्यू जो ब्रेक हो चुके हैं वो भी साथ के साथ रिपेयर हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे सप्लीमेंट BCAA के भाई अलग अलग ब्रांड के हैं, आप कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हो और बहुत सारे भाई देखते भी नहीं है, बस BCAA लिखा दिखा और वही सप्लीमेंट उठा लिया, उसके बारे में ना कुछ जानना क्या है क्या नहीं। तो भाई देखो, ब्रांड की बात मैं नहीं करूँगा कि आप उस ब्रांड का लो या उस ब्रांड का लो, मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा कि आपने अगर कोई सप्लीमेंट लेना है तो क्या लेना है। जब भी आप BCAA का कोई सप्लीमेंट देखो तो उसके ऊपर रेशियो जरूर चेक किया करो, उस पर लिखा होता है 2.1.1, कईयों में 1.1.1 लिखा होता है, तो ये रेशियो होता है, ये आप ज़रूर चेक करो। कम से कम 2.1.1 तो ज़रूर होना चाहिए। 2 ल्यूसिन, जो मैंने बताए हैं कि तीन अमीनो एसिड इसके अंदर होते हैं, तो जो 2 है 2 ग्राम यानी ल्यूसिन, 1 ग्राम आइसोल्यूसिन और 1 ग्राम वेनिल, ये तीनों अमीनो एसिड जो होते हैं इस रेशियो में होने ज़रूरी है। तो जब भी आप BCAA का कोई भी किसी भी ब्रांड का BCAA आप जब परचेज करो तो भाई ये रेशियो ज़रूर चेक किया करो। और BCAA एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, अगर आप मसल ग्रोथ करना चाहते हैं तो BCAA आप यूज़ करो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ज़्यादा किसी के बहम में आने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है और आप इसको सेफली यूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों, ये था BCAA के बारे में सारी जानकारी। जिस भाई के मन में जो भी डाउट था वो भी शायद क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।